नमस्कार, प्राइम 100 में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। इंदौर लगातार पांचवी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित। वाराणसी गंगा शहरों की श्रेणी में प्रथम। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कृषि कानूनों के बाद जम्मू कश्मीर पर भी फैसला वापस ले केंद्र सरकार। करतारपुर आने वाले सिख तीर्थयात्रियों के लिए पाकिस्तान की अच्छी पहल, 10 दिन पहले नहीं देनी होगी अग्रिम सूचना। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत को विश्व गुरु बनने का दिया मंत्र, कहा धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। केंद्र की ओर से कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद मुस्लिम नेता बोले सीएपी हो निरस्त। नियोजित शिक्षकों ने राज्यसभा सांसद मनोज झा को सौंपा ज्ञापन, किया समस्याओं का समाधान कराने का आग्रह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भरी हुंकार, बोले जातिगत जनगणना के लिए करेंगे आंदोलन। एनसीआर के बॉर्डर खाली करने के लिए राकेश टिकैत ने रखी 6 शर्तें, ट्वीट कर दी जानकारी। एयर कार्गो के जरिए हांगकांग से भारत करते थे सोने की तस्करी, डीआरआई ने पकड़ा 42 करोड़ का सोना, 4 विदेशी हुए अरेस्ट। देश भर के स्कूलों में जाएंगे टोक्यो ओलंपिक के हीरो, सरकार ने बनाया मेगा प्लान। एलएसी पर अब नहीं चलेगी चीन की धमकी, 2022 तक भारत तैनात करेगा S-400 मिसाइल सिस्टम। सपा के साथ आरएलडी के गठबंधन पर बोले जयंत चौधरी, इस महीने के अंत तक हम आ जाएंगे साथ। आईआईटीएस में पहली बार कोटा आधारित होगी शिक्षकों की भर्ती, केंद्र के समय सीमा बनी चुनौती। कृषि कानूनों की वापसी से कड़वाहट मिटाने का प्रयास, पंजाब एवं हरियाणा के किसानों में खुशी की लहर। नेशनल हाईवे बनेगी जम्मू कश्मीर की 4 सड़कें, पर्यटन विकास को मिलेगी तेजी। गांधी वाड्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा करे बर्खास्त। गोरखपुर में लाइट मेट्रो चलाने का रास्ता साफ, महानगर घोषित करने का प्रस्ताव कैबिनेट से पास। सहित यूपी के प्रमुख शहरों की हवा जहरीली, खतरनाक स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। देव दीपावली पर देश के विभिन्न राज्यों से वाराणसी आए पर्यटकों ने देखा भारतीय संस्कृति का अनुपम दृश्य। साइबर क्राइम पर लगेगा सुरक्षा सेल का ताला, अब यूपी के सभी विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों से गठित होगा सेल।
अलीगढ़ में कोविड-19 कार्ड दिखाने के बाद मिलेगा राशन, राशन चाहिए तो टीका लगाइए। अलीगढ़ में कई शहरों में मनाई गई देव दीपावली, महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम। फर्रुखाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत पर हमला, बीजेपी सांसद का किसान नेता पर हमला। कानपुर में गंगा घाटों में लोगों का उमड़ा जनसैलाब, सभी भक्तों ने पूजा अर्चना कर की प्रार्थना, महिलाओं और बच्चों ने भी दीप जलाए। शाजापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरफ्तार। संभल में अजीज कुरैशी ने साधा भाजपा पर निशाना, देश को बर्बाद करने का लगाया आरोप। औरैया में जमीनी विवाद के चलते हुई हत्या, भाई ने भाई को उतारा मौत के घाट। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, पुलिस का नहीं कोई खौफ। रायबरेली में रफ्तार का कहर जारी, बाइक ने बाइक सवार को रौंदा। रायबरेली में पुलिस की दबंगई आई सामने, दुकानदार को दी मारने की धमकी। अलीगढ़ में अवैध संबंध में हुई युवक की हत्या, हत्या करके शव काली नदी में फेंका। सहारनपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर बाइक चोर हुआ गिरफ्तार। शाजापुर में भाजपा का सदस्य होना पड़ा भारी, समुदाय के लोगों ने किया विरोध। रहा रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार दो ट्रकों की हुई भिड़ंत, ट्रक के खलासी की हुई मौत। मुरादाबाद जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही, जिंदा मरीज को मृत घोषित किया। सीएमओ ने कहा कुछ मामले दोबारा चलने लगती हैं सांसें। रामपुर में अज्ञात युवक का अध जला, शव मिलने से मचा हड़कंप, घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस। लखनऊ में सिपाही ने खुद को मारी गोली, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस, गोरखपुर का रहने वाला था मृतक पुलिसकर्मी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट, कृषि कानून वापसी पर बोली मायावती, ये चुनावी स्वार्थ और मजबूरी का फैसला। सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कोविड वैक्सीनेशन में और तेजी लाने के लिए करें ठोस उपाय। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, ट्रेनों में शुरू होगी पेंट्री कार की सेवा, पेट्रोल भी की तैयारी। कचरा मुक्त वाराणसी को मिला राष्ट्रपति से पुरस्कार, गंगा किनारे बसे सबसे स्वच्छ नगर का गौरव।
यूपीटीईटी के लिए परीक्षा केंद्र भी फाइनल। 28 नवंबर को दो पालियों में 21.65 लाख अभ्यर्थी देंगे एग्जाम। बसपा प्रमुख मायावती की मांग, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए बने कानून और किसानों पर दर्ज केस लिए जाए वापस। मुजफ्फरनगर में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की रैली के लिए पुलिस ने पर की सुरक्षा व्यवस्था। इटली की रीना की अनुमति पर ही चलेगी कानपुर की मेट्रो, 90 की रफ्तार पर हुई टेस्टिंग। हरीश रावत का धामी सरकार पर आरोप, परिसंपत्तियों के मामले में उत्तर प्रदेश के सामने किया आत्मसमर्पण। शहीद सम्मान यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले उत्तराखंड में बन रहा पांचवा धाम। स्वच्छता रैंकिंग में दून की बड़ी उछाल, 13 6 स्वच्छ शहरों में हुआ शामिल। प्रमोशन को लेकर आरटीओ कर्मचारियों ने रुद्रप्रयोग में किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। उत्तराखंड में कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर बोली कांग्रेस, किसान एकता और पार्टी नेतृत्व की हुई है जीत। आईआईपी के बायोजेट फ्यूल को वायुसेना के लिए मंजूरी, इससे उड़ सकेंगे फाइटर जेट, 10 साल में भी विकसित हुई तकनीक। नागरिक उड्डयन मंत्रियों की बैठक, मंत्री महाराज ने उठाया हरिद्वार अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मसला। हल्द्वानी में घर से बाहर छिपे बदमाश ने वेटर को मारी गोली, एसटीएच भर्ती 4 धामपुर हुए। देवस्थानम बोर्ड से खफा 4 धाम पुरोहित, बीजेपी को खरेंगे 15 सीटों से लड़ेंगे उत्तराखंड चुनाव। उत्तराखंड ने उठाया हरिद्वार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुद्दा, हेलीकॉप्टर के साथ हेलीपोर्ट का भी उठाई मार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान, कहा कि दिसंबर के आखिर तक प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कर दी जाएगी जारी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपने धामी को घेरा, कहा राज्यों के बीच परिसंपत्ति बंटवारे पर कर रहे गुमराह। हजारों दीपों से जगमगाया हरिद्वार, फिर गंगा स्नान के लिए पहुंचा जनसमुद्र। मौसम ने फिर बदली करवट, पिंडारी और पंचाचूली में हिमपात। जयदेवपुर के 4000 लोगों को मिलेगा पानी, भगत ने किया 3.7 करोड़ के नलकूप का लोकार्पण। चीन पर सख्त हुआ भारत, जयशंकर बोले खराब दौर से गुजर रहे दोनों देशों के रिश्ते। तालिबान के हाथ से फिसल रहा अफगानिस्तान, सभी प्रांतों में आईएसआईएस के जमाए पैर।
अमेरिकी सांसदों ने पुतिन को लेकर पेश किया विवादित प्रस्ताव, रूस की चेतावनी, खत्म हो जाएंगे संबंध। अगले कुछ दिनों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालेंगे कमला हैरिस, बाइडेन करेंगे पावर ट्रांसफर। यूरोप में महामारी का प्रकोप बरकरार, कोरोना की चौथी लहर को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने लगाया लॉकडाउन। पाकिस्तान ने टिकटॉक से हटाया फिर प्रतिबंध, 15 महीने में चौथी बार बदला अपना फैसला। अमेरिका के बाद ब्रिटेन भी करेगा 2022 बीजिंग विंटर ओलंपिक का बहिष्कार। पाकिस्तान को झटका, रूस ने रद्द किया कंटेमिनेशन इंडिकेटर सौदा, गलत जानकारी देने का लगाया आरोप। कोरोना से कनाडा का बड़ा फैसला, 5 से 11 साल के बच्चों को लगाई जाएगी फाइजर वैक्सीन, दो डोज में 8 हफ्ते का होगा अंतर। अमेरिकी संसद ने मैराथन स्पीच, ट्रंप की पार्टी को सांसद दे 8 घंटे से ज्यादा बोलकर रिकॉर्ड बनाया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का अहम बिल अटका। ट्रेन में मिलेगा पका हुआ भोजन, रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश। एलन मस्क ने बेचे 9 अरब डॉलर के टेस्ला के शेयर, ट्विटर पोल के बाद किया यह फैसला। गिरावट के बाद फिर चढ़ी क्रिप्टो करेंसी की कीमत। फोन पे कर्मचारियों से 133 करोड़ रुपए के ESOP वापस खरीदेगी, फाउंडर नहीं लेंगे हिस्सा। रेलवे वेंडरों की समस्याओं को लेकर IRCTC में बनाएगी सरकार पर दबाव, NFIR ने दिया समर्थन। हेल्थकेयर सेक्टर में फ्लिपकार्ट की एंट्री, सस्ता सुंदर भी खरीदेगी मेजोरिटी हिस्सेदारी। अमिताभ बच्चन के बाद सोनू निगम ने किया NFT का रुख, बताएं NFT और कैसे करता है काम। आनंद महिंद्रा ने क्रिप्टो करेंसी में किया निवेश, बिजनेस टाइकून ने बताई सच्चाई। टैक्स के रेट में होगा सुधार, GST के अब 3 स्लैब ही रखे जाएंगे, जनवरी से अप्रैल चप्पल और जूते होंगे महंगे। चीनी कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक कार एक्सपेंस G9 सिर्फ 5 मिनट में चार्जिंग की 200 किलोमीटर की रेंज देगी, कीमत को लेकर खुलासा नहीं किया गया। सौरभ गांगुली करेंगे तीसरे T20 मैच की शुरुआत का ऐलान, 2 साल बाद ईडन गार्डन में होगा इंटरनेशनल मैच। टिम पेन स्टीव स्मिथ ने रोते हुए छोड़ी कप्तानी, दोनों का साथ पुराना, साथ डेब्यू किया और गलत काम में भी फंसे। शर्मा के अल राहुल की जोड़ी का धमाका, 5वीं बार शतकीय साझेदारी कर रचा इतिहास।
रोहित शर्मा ने एक ही मैच में तोड़ा दो महान खिलाड़ियों का रिकॉर्ड, पहले पाकिस्तानी फिर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी छूटा पीछे। रांची में जीत की हैट्रिक के साथ भारत ने G20 सीरीज पर किया कब्जा, दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को मिली हार। मार्चिन डी लैंग ने बस 12 गेंद में 5 विकेट लेकर रचा इतिहास, गेल ने भी छुड़ाए छक्के। हर्षल पटेल डेब्यू में ही बने मैन ऑफ द मैच, बोले ज्यादा प्रतिभाशाली नहीं। ग्रीन पार्क मैच का कमेंट्री पैनल जारी, गावस्कर इंग्लिश में करेंगे कमेंट्री, जबकि गौतम गंभीर, पठान और लक्ष्मण हिंदी कमेंट्री पैनल में होंगे शामिल। भारत की घरेलू T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तमिलनाडु ने धमाकेदार जीत से रचा इतिहास, हैदराबाद को पीट पहुंची फाइनल में। मैथ्यू वेड ने अपने संन्यास को लेकर की बड़ी घोषणा, बताया अगले साल स्वदेश में T20 विश्व कप खेलेंगे आखिरी मैच। में आएगी रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल, संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी फिल्म 11 अगस्त 2023 में होगी रिलीज। अभिषेक बच्चन की बॉब बिस्वास का ट्रेलर रिलीज, फिल्म में अभिषेक बॉब के किरदार में हैं और जब चित्रांगा उनकी पत्नी का रोल निभा रही हैं। परिणीति बनेंगी रियलिटी शो की जज, सिल्वर स्क्रीन में हाथ आजमाएंगी परिणीति चोपड़ा, हुनरबाज देश की शान शो करेंगी जज। तापसी पन्नू से लेकर सोनू सूद ने कृषि कानून रद्द होने पर जताई खुशी, सोशल मीडिया के जरिए दिया अपना रिएक्शन। शर्मा ने शेयर की न्यूबॉर्न बेटी की पहली तस्वीर, मां बनने को बताया जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण रोल। मुश्किल में फंसी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट, 22 नवंबर तक हो सकती है सुनवाई। सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा का फर्स्ट लुक पोस्टर आउट, एक्शन फिल्म से ऋतिक को देख के टक्कर। कार्तिक आर्यन की धमाका को लगा झटका, रिलीज के साथ ही ऑनलाइन लीक हुई फिल्म। बाढ़ में फंसे यात्री, शहर के बिगड़े हालात को लेकर चिरंजीव ने आप सरकार को लिखा पत्र। सुष्मिता सेन ने अपने बर्थडे पर किया बड़ा खुलासा, बोली पुनर्जन्म जैसा महसूस कर रही हूं। आज के प्राइम 100 में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।